दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की बट ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर गोल्स गोल्स क्या होते हैं गोल्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है आखिर क्यों ये ज़रूरी है कि हमें अपने गोल्स का पता हो हमने कुछ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनर्स की बात की पीपल लाइक ईलॉन मस्क, वो फाउंडेड टेक् टेस्ला वो फाउंडेड स्पेस एक्स पीपल लाइक जेफ पेजोज फ्रॉम अमेजोन एंड पीपल लाइक जैक मा एंड स्टीव जॉब्स इन सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक गोल या ऑब्जेक्टिव जरूर सेट किया जिसकी वजह से इन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया तो लेट्स विजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आपने पी शुरू की तो आपका गोल क्या था और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे पहला मेरा गोल बड़ा सिंपल सा था कि मैंने दस हजार रुपए मंथली ट्री से बनाने और वो कैसे टाइम के साथ साथ दस हजार रुपए दस लाख रुपये बन गए इट्स इट्स अ जर्नी जिसके बारे में मैं सोचता हूँ और मैं बहुत अल्लाह तला का शुक्र अदा करता हूँ बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि मैंने उस जर्नी से सीखा क्या और मैंने उस जर्नी से यही सीखा कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल्स और यही मैं आपको समझाना चाह रहा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स नंबर वन यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जब आपके पास अपनी जिंदगी का एक स्केड्यूल होगा जब आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी दैट विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल जब आप अपने ऑब्जेक्टिव रखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव आपको अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेने की सलाहियत फ्राहम करेगी it will help you take control of your life number 2 you focus on the important things हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी है ख़ास तौर पे फ़ोन सोशल मीडिया और इस तरह की नॉइज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम भूल गए हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड सेटिंग अप गोल्स हेल्प्स यू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ उनमें से टाइम वेस्ट भी करते हैं इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो रोज टीवी पे घंटों गुजार देते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं रखा होता अगर आपने ऑब्जेक्टिव रखा हो कि रोज आपने आधे घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना देर इज सो मच टाइम दैट यू कैन क्लेम बैक फ्रॉम योर लाइफ एंड डू अदर प्रोडक्टिव थिंग्स सो सेटिंग ऑब्जेक्टिवस एंड सेटिंग गोल्स हेल्प्स यू फोकस ऑन द इम्पॉटेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ नंबर थ्री इज टू मेक गुड डिसीजन मेकिंग गुड डिसीजन्स इज एन आर्ट एंड वेन यू सेट ऑब्जेक्टिव यू क्रिएट स्ट्रैटेजीज जिससे आप अच्छे डिसीजन ले सकते ये उसी तरह है जिस तरह अगर आप घर से बाहर निकले और कहें कि मैंने एक मीटिंग पे नौ बजे पहुंचना है तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी रोड आप लेंगे विच विल गेट यू द एंड यू विल ऑटोमैटिकली आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा टू मेक गुड डिशीजन्स एंड वी वॉन्ट यू टू मेक गुड डिसीजन्स सो यू कैन मेक अ लॉड ऑफ मनी नंबर फोर यू फिनिश द टास्क एफिशेंटली जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं तो आप अपने टास्क या अपने काम को एफिशियंट तरीके से फुलफिल करते हैं एंड यू ब्रिंग क्वालिटी टू योर टास्क हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि आप यहाँ पे वर्ड सीखें या पैसे बनाएं हम चाह रहे हैं कि आप एफिशिएंटली वर्ड सीखें और एफिशिएंटली पैसे बनाएं और ग्रो करें नंबर फाइव यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एंथिक आप जब अपने गोल्स रखते हैं यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेन अ लॉट ऑफ पैशन एंड मोटिवेशन हम चाहते हैं कि उस पैशन मोटिवेशन को यूज करते हुए आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर के तौर पे उभरें और सामने आए और दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने नंबर सिक्स यू विल मेक प्रोग्रेस जब आप ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी कितनी प्रोग्रेस है सो सेटिंग अप क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हेल्प्स यू मेक गुड प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू ग्रो नंबर सेवन यू विल बी क्लोजर टू सक्सेस इफ यू सेट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सक्सेस के बारे में कि सर कैसे आप इतने सक्सेसफुल हुए और यही क्वेश्चन मैंने बहुत ऑन्टरप्रिन और फील आंसर से पूछा हुआ है एंड द बेस्ट आंसर दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि फॉर अस सक्सेस इज अ जर्नी सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है सक्सेस इज बीइंग हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं आप अच्छा काम करना चाहते हैं प्लीज सेट योर गोल्स एंड ऑबजेक्टिव नंबर एट हैविंग अ पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी स्पिरिट आपकी माइंड आपकी बॉडी इफ ऑल ऑफ देम आर इन सिंक तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड वर्क दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट दोज ऑब्जेक्टिव्स बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आप ये गोल्स नहीं सेट करेंगे तो क्या होगा क्यों क्योंकि अगर आप ये गोल्स नहीं सेट करेंगे तो यू विल लूज आउट ऑन ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑफ सक्सेस दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर उसके अलावा यू विल बी अनश्योर अबाउट योर पर्पस आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं आपके पास कोई प्लान नहीं होगा और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो यू विल नॉट नो वट टू प्रोड्यूस और वट टू लर्न आपके पास टाइम की कोई कैल्कुलेशन नहीं होगी अगर आपको टाइम नहीं पता तो आप पूरा दिन टी वी बैठ देखते रहेंगे बैठे या आप फेसबुक सर्व करते रहेंगे आपको अपने टाइम का लिहाज नहीं होगा उसके अलावा यूल बी स्टक इन समथिंग डैट वी कॉल एज अ डू नथिंग लुक आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे लेकिन आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं जिसको हम एक लुक बिजी डू नथिंग सिंड्रोम भी कहते हैं ट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और अगर आप ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव नो सक्सेस एंड यू विल हैव नो मनी तो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए इससे हमें एक क्लियर चीज का आइडिया होता है वो ये होता है कि गोल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड हैविंग स्मार्ट गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट मीन्स एस से स्पेसिफिक एम से मयरेबल ए से अचीवेबल आर से रेलीवेंट और टी से टाइम बाउंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक गोल्स आर दो गोल्स जिनको आप क्लियरली लिख सकें अपने साथ पेन और पेपर से मयरेबल वो गोल्स होते हैं जिनकी आप प्रोग्रेस का ट्रैक रख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये गोल्स कहाँ जा रहे हैं कितनी आप इससे प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं अचीवेबल गोल्स विच आर स्मॉल बट डूएबल सो अचीवल बिल की एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने पैसे कमाने तो पहले दिन ही एक गोल इस तरह का ना रखें कि मैंने एक करोड़ रुपया बनाना है पहले दस हज़ार का एक गोल रखें बिकॉज इट्स अचीवेबल आर इज़ फॉर रेलिवेंट रेलिवेंट टू वट यूर लर्निंग और व्हाट यूर डूइंग टी इज़ अबाउट टाइम बाउंड अगर आपके पास एक टाइम बाउंड नहीं होगा अपने गोल का तो उस गोल का आपको फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये गोल आपने महीने में करना है या साल में करना है सो हैव स्मार्ट गोल्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू वुड हैव स्मार्ट गोल्स फॉर वर्ल्ड प्रेस स्पेसिफिक गोल की एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि लेट्स ए आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल मयरेबल एंड अचीवेबल आप कहते हैं कि मेरे ट्वेंटी कस्टमर्स होने चाहिए एवरी मंथ दैट्स अ वेरी मयरेबल एंड अचीवेबल गोल रेलिवेंट आप कहेंगे आप ये सारा करना चाह रहे हैं यूजिंग वर्ड प्रेस एंड टाइम बाउंड इज कि आप ये दो महीने में करना चाह रहे हैं सो दैट्स हाउ यू सेट अप स्मार्ट गोल्स एस से स्पेसिफिक एम से मेयरेबल ए से अचीवेबल आर से रेलिवेंट टी से टाइम आउट अगर आप ये स्मार्ट गोल्स सेट करेंगे अपने लिए यू विल बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल एंड यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी